नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। गुरुवार की देर रात भोज खाने जा रहे एक शख्स को ट्रक ने रौंद डाला। जो मेरे पीछे आप ट्रक देख रहे हैं, गैस से भरा हुआ ट्रक है। ये नंबर BR30GA0603। ठीक यही ट्रक रूनी सैदपुर के बेलसन चौक पे भोज खा रहे जा रहे एक शख्स को रौंद डाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शख्स की गाड़ी उसमें फंस गई और वो शख्स फंस गया। उसके बाद वो शख्स उसके अंदर फंसा रहा और तकरीबन 3 किलोमीटर दूर थुम्मा चौक तक घिसेटता हुआ लेके गया। और उसके बाद जब थुम्मा चौक पर आग लग गई गाड़ी के अंदर, तब ड्राइवर वहां पर रोका। गनीमत रही कि वो आग फैल नहीं पाया और आग पर काबू पा लिया गया। अगर आग उसमें गाड़ी में धर लेती तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आप सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा ट्रक सिलेंडर से भरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी होगी, जिसके बाद जो ग्रामीण हैं उनके उसका गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि वो मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के बेसी गाँव के रहने वाले थे और अपने रोजी रोजगार के लिए वो रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के बैलगढ़ गाँव के अंदर छोटा सा किराना दुकान करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। और उस शख्स की उम्र तकरीबन 40 साल के लमसम होगी। और उसके बाद जो हादसा हुआ, उसके बाद जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद वो लोग बेलसन चौक को जाम कर दिए। थाना के महज 100 से 150 कदमों की दूरी पे बेलसन चौक पड़ता है, उसे बांस बल्ला और आगजनी लगाकर जाम कर दिए और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद थाना अध्यक्ष को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद तकरीबन घंटों मान मनोबल के बाद काफ़ी खुशामद की गई। उसके बाद सड़क को खाली कराया गया। उसके बाद उन लोगों को जो परिजन है, उन लोगों को थाने तक लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक्सीडेंट रूनी सैदपुर हुआ और उसके बाद तकरीबन 3 किलोमीटर जो थुम्मा चौक है, माँ जानकी मंदिर है, उसके ठीक सामने जब आग लगा, तब ड्राइवर वहाँ पर रोक करके गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। अगर कहीं ना कहीं अगर गाड़ी में आग पकड़ लेती तो शायद आसपास के गांव के अंदर इतनी क्षति होती कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति होती। अब जो परिजन है, वो परिजन और थाना प्रभारी के अंदर बातचीत चल रही है और जो कागजी प्रक्रिया है वो चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे का जो मोड़ आएगा वो क्या आएगा। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो अभी भी थाने के बाहर अड़े पड़े हैं। जो परिजन है, परिजन जो है वो लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। जो मृतक है, उसकी पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके ऊपर क्या बीत रही है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है, उनके जो बड़े वाले पुत्र है, तकरीबन 14 साल उसकी उम्र है, वो आज भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए हैं। और एक जो लड़की है उसकी, वो यहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके अपनी ज़िंदगी की पटरी को आगे बढ़ाने के जुगाड़ में थी। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था और उस शख्स का सड़क हादसा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हादसे में 3 शख्स जो है वो प्रभावित हुए हैं। उसमें एक शख्स जो है, जो मृत्यु हुई है, उनके ससुर है, और एक उनका लड़का जो पीछे बैठा हुआ था, उसका भी पांव टूट गया हुआ है, वो भी जेरे इलाज है, उसका इलाज चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जो ये परिजन यहाँ पर जो मांग को लेकर करके अड़े हुए हैं, वो कब तक यहाँ पर अड़े रहते हैं। उसके बाद जो भी होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन जो परिवार वाले हैं, जो परिवार वाले पे जो बीत रही होगी, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि आखिर जो परिवार वाले हैं, जो परिवार वाले जो बिलक रहे हैं और रो रो कर इस बात को कह रहे हैं कि भगवान मेरा क्या कसूर था। जो पत्नी है उनकी बिल्कुल जवान है अभी वो, और उनकी अभी आधी उम्र हुई है, आखिर वो पूरी उम्र बिताएगी तो कैसे बिताएगी। चलते हैं उनकी पत्नी से बात करते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। हिसाब दे, ट्रक वाला मार के चल गए। 3 छोटा छोटा बच्चा कैसे मर गया, कैसे कमा के खोई। अरे बेटा के नौकरी दे, पहले ससुर मर गया, ससुर मर गया, कौन ना आगे पीछे देखे वाला होई। बड़ा बेटा जो है इनका कितने साल? 14 साल के, 14-15 साल के है। कितने बच्चे इनके? 3 गो है, सबसे बड़ा 14-15 साल के है, बाकी सब छोटे है। पढ़ाई कर रहा था बच्चा? हाँ, मैट्रिक के कल से एग्जाम दे रहा था। कल एक के दिन तो एग्जाम में दिया, अभी मैट्रिक के में आई है, सरकारी से पुपरी में पढ़ल था।
सेंटर पड़ल था। एगो बेटा के घोर तोड़ दे लई ओकर त पल नाना जी के भी पूजा पापुर से भर्ती हो के अलई हे भगवान अकेले के ओ सरकार हमरा इंसाफ दो हमरा गार्जियन के मुआवजा दो। आपका नाम क्या हुआ? मीनी कुमारी। तो ये है मीनी कुमारी और भगवान से इंसाफ मांग रही है। आपका क्या नाम हुआ बाबू? आरती कुमारी। आप कौन थी जो मर गए? उनकी लड़की है। आप लड़की है उनकी? हाँ मैं उनकी लड़की हूँ। आप क्या कर रहे? पढ़ाई कर रहे? हाँ। कहाँ? ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे। हाँ, फाइव में पढ़ रहे हैं। हम लोग का भी परीक्षा होने वाला है मार्च से। पूरा मामला कैसे क्या हुआ था बताएंगे? जैसे कि वो घर से निकल के दुकान बंद करके आए यहाँ भोज खाने के लिए। भोज खाने के क्रम में यहाँ पर उपटे या वही उस जगह ट्रक वाले उधर से आए रौंद दिए मर गए। उनका क्या नाम क्या था? राम कुमार शर्मा। पिताजी का नाम? नथनीसा। नथनीसा वो मूल रहने वाले कहाँ के थे? बेसी का। हाँ, घनश्यामपुर बेसी का। और यहाँ क्या कर रहे थे? बैलगढ़ में? बैलगढ़ में किराना दुकान छोटा मोटा चला रहे थे। अच्छा जी। बच्चे बच्चे भी थे उनके? हाँ, तीन बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे के? एक बच्चा के भी उनका गोड़ टूट गया हुआ है जी। और उनका ससुर जी भी ऐसे मुँह हाथ फूट गया, वो भी हॉस्पिटल में है। तो अब आप लोग सड़क क्यों जाम किए हुए? क्या वजह? क्या जो उनका कोई मुआवजा दे? मुआवजा दिया जाए उनके। सड़क जाम करने से मुआवजा होगा कि प्रक्रिया से होगा? तो प्रक्रिया आप ही लोग ने बताइएगा। अच्छा, क्या हम लोग तो मूर्ख है जी। तो कुल मिलाकर करके सड़क जाम इन लोगों ने किया है कि जो परिवार वाले हैं वो गरीब परिवार से आते थे ये, और उनके पास छोटे बच्चे हैं, और जो परिवार वाले हैं उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानकारी ले। आपके चाचा हैं? मेरा छोटा चाचा थे। अच्छा, भोज खाने आते थे, आ रहे थे तो स्टैंड करके मेरे मुआवजा चाहिए। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? मेरा मुआवजा मिलेगा उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। मुआवजा मिलेगा तभी जाएंगे जी। तो पुलिस वाले तो आए हुए थे आप लोगों को खाली करवाए हैं सड़क को, क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर बोले हैं चलो थाना पर रुक के थाना पर लेंगे देंगे।